अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो आज की जॉब अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई है। यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी आई है वो आधार कार्ड की तरफ से है, जो कि UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। और जो जॉब अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसमें काम करने के आपको कई सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट जो यहाँ पे है वो है वर्क फ्रॉम होम। तो यहाँ पे आप अपने घर बैठ के इस काम को कर सकते हो, कहीं पर भी रिलोकेट होने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरा बेनिफिट रहेगा, यहाँ पे आपको मंथली सैलरी मिलेगी जो कि वेरी करेगी 15,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक। तीसरा बेनिफिट यहाँ पे ये रहेगा कि अगर आप सूटेबल हो तो आप वर्क फ्रॉम ऑफिस भी यहाँ पे चूज कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। वर्क फ्रॉम ऑफिस अगर आप चूज करते हो तो आपको एक्सपोजर मिलेगा UIDAI के ऑफिस में काम करने का, और अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस चूज करते हैं तो आपको वर्क फ्रॉम होम से डबल सैलरी देखने को मिलेगी जो कि होगी 30,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए पर मंथ। चौथा बेनिफिट, गवर्नमेंट जॉब सोच के हमें ये लगता है कि टेस्ट होगा या फिर सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, तो यहाँ पे बता दूं आपका कोई भी टेस्ट और इंटरव्यू नहीं होने वाला है। सिलेक्शन के लिए अगर एप्लीकेशन कम आती है यानी कि कम कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी, और अगर कैंडिडेट ज्यादा अप्लाई करते हैं तो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन होगा, जिसमें आपकी 10th की परसेंटेज, 12th की परसेंटेज, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन की परसेंटेज, पोस्ट ग्रेजुएशन की परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरिट डिसाइड होगी और उसी अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म फिल करते हुए अक्सर आपने देखा होगा कि आपसे रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज की जाती है, लेकिन बता दो यहाँ पे आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। यहाँ पे अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सभी एप्लीकेंट्स के लिए। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छे से समझना होगा, क्योंकि पहले जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो थोड़ा अलग था। आपको फॉर्म के प्रिंट आउट निकालने होते थे, उसे फिल करके उनकी फोटो क्लिक करके फिर सेंड करना होता था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन अब यहाँ पे आपको सब कुछ फिल करना होगा, जिसका डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को करें सब्सक्राइब और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जॉब अपडेट्स आप लोगों को रेगुलरली मिलती रहे। अब अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले गूगल को ओपन करना होगा। इस प्रोसेस को आप अपने फोन से भी कर सकते हो। अभी मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए लैपटॉप से इस प्रोसेस को परफॉर्म करके दिखाऊंगी, लेकिन आप अप्लाई अपने फोन के थ्रू भी कर सकते हो। गूगल में हमें टाइप करना है UIDAI और इसे ओपन करेंगे। सबसे पहली वेबसाइट जो हमारे सामने ओपन होगी उसे हमें ओपन करना है। सेलेक्ट योर प्रिफर्ड लैंग्वेज टू एंटर दी वेबसाइट। वेबसाइट में एंटर होने से पहले आपको अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज यहाँ पे चूज करनी होगी। मैं इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे चूज कर रही हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि आधार कार्ड के लिए है। अब जिस पोजीशन के लिए आपको अप्लाई करना है उसमें जाने के लिए आपको सबसे पहले अबाउट UIDAI में जाना है। अब थर्ड नंबर पे आप देख सकते हो वर्क विद UIDAI, इसमें आप जाएंगे। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोजीशन इंटर्नशिप्स देखने को मिलेंगी। जिस पोजीशन के लिए हमें अप्लाई करना है वो है इंटर्नशिप इन UIDAI, इसमें मैं क्लिक करूंगी। और क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। फॉर इंटर्नशिप इन UIDAI क्लिक हेयर। तो इसमें आप क्लिक करेंगे, एक PDF आपके सामने ओपन होगा। तो इसमें आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा PDF आपके सामने ओपन होगा जो कि टोटल 18 पेजेस का है, जिसके मेन जो पॉइंट्स है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहला है पर्पस, इस इंटर्नशिप का पर्पस क्या है। An internship is an opportunity for a student to secure first-hand and practical work experience under the guidance of a qualified and experienced mentor. तो यहाँ पे student को first-hand practical work experience करने का मौका मिलेगा under the guidance of qualified and experienced mentors के।
इट ऑल्सो एम्स एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द लर्निंग प्रोसेस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड पुटिंग इन टू प्रैक्टिस द नॉलेज एक्वायर्ड इन द क्लासरूम। तो जो भी आपने नॉलेज एक्वायर की है अपनी क्लासरूम में, अब उस नॉलेज को आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने का आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। These interns shall be given adequate exposure to various technology tracks and other units within UIDAI headquarters, technology center and regional offices and would be expected to work in the field of application development, legal domain like cyber laws, IT acts and general management. तो एक्सपोजर आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलने वाला है। डायरेक्टली आप UIDAI के हेडक्वार्टर्स में काम करने का आपको मौका मिलेगा, साथ ही इनके रीजनल ऑफिसेस में भी काम करने का मौका मिलेगा और आपको डेवलप करने का भी मौका मिलेगा यहाँ पे लीगल डोमेन्स लाइक साइबर लॉज एंड IT एक्ट्स को। फॉर द इंटर्न्स द एक्सपोजर टू द फंक्शनिंग ऑफ द UIDAI एंड टेक्नोलॉजी अप्लाइड शेल बी एन एड ऑन फर्दरिंग द फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट इन द नीच टेक्नोलॉजी लीगल डोमेन्स मैनेजमेंट एंड मेनी अदर एरियाज एज द केस मे बी। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आगे भी इन फ्यूचर भी ये अपॉर्चुनिटी आपका बेनिफिट करेगी। आप जिस भी डोमेन में वर्क करना चाहते हैं उसमें आपके लिए ये इंटर्नशिप एक एड ऑन होगी। अबाउट UIDAI, तो UIDAI क्या है? The Unique Identification Authority of India is a statutory authority established under the provision of Aadhaar. Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services Act 2016, Aadhaar Act 2016 on 12 July 2016 by Government of India. Under the Ministry of Electronics and Information Technology, the Aadhaar Act 2016 has been amended by the Aadhaar and other laws. तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दी हुई है आधार कार्ड के बारे में। अंडर द आधार एक्ट UIDAI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आधार एनरोलमेंट एंड ऑथेंटिकेशन इंक्लूडिंग ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ आधार लाइफ साइकिल डेवलपिंग द पॉलिसी प्रोसीजर्स एंड सिस्टम ऑफ इशूइंग आधार नंबर टू इंडिविजुअल एंड परफॉर्म ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल। तो ये एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आधार कार्ड, क्योंकि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके लिए। तो ये जो काम है ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, बहुत ही प्रेस्टिजियस काम इसको आप कह सकते हो। ये जो इंटर्नशिप है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अलाउ यंग एकेडमिक टैलेंट टू बी एसोसिएटेड विद द UIDAI's वर्क फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। The intern shall have an opportunity to know about the UIDAI functioning. तो यहाँ पे interns को opportunity मिल रही है कैसे UIDAI function करता है वो सब कुछ जानने की। It will enable UIDAI to interact with young scholars and to get fresh ideas and study research support from the field of academics. At the same time, it will provide an opportunity to young scholars to contribute in the UIDAI work and have an insight into the related technical domain, management fields and related legal aspects. तो इस इंटर्नशिप को करने के लिए आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, एलिजिबल कौन कौन रहेंगे। तो सबसे पहले इंटर्नशिप के लिए ही इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दी पॉलिसी। तो सिर्फ इंडियन सिटीजन ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। Bonafide student of any recognized university, institution within India or abroad fulfilling following conditions are eligible to apply for the internship. तो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं लेकिन अब्रॉड में स्टडी कर रहे हैं तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और आपने किसी भी recognized university या institution से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, अपनी स्टडी कर रहे हो, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। A student studying in third year, fourth year, final or pre-final BTech, BE course of any discipline and secured minimum 60% marks, GPA average of 6 in all prior semester examination. तो अगर BE, BTech के स्टूडेंट हैं तो 60% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है मिनिमम। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैविंग कम्प्लीटेड अपेयर्ड इन द टर्म एंड एग्जाम्स ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड सेमेस्टर ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और परसुइंग रिसर्च PhD एंड सिक्योर्ड नॉट लेस देन 60% और इक्वलेंट मार्क्स इन ग्रेजुएशन।
अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है, 60% मार्क्स है, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तो भी आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. द स्टूडेंट हु हैव अपेयर्ड इन द फाइनल एग्जाम और जस्ट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड वेटिंग फॉर एडमिशन फॉर हायर स्टडीज और जॉब में ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर इंटर्नशिप प्रोवाइडेड दैट. अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है और आप अपने रिजल्ट के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हो, तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. दे हैव सिक्योर्ड 60% और मोर क्यूमुलेटिव मार्क्स इन ऑल ईयर्स. तो अगर आपके ऑल ईयर्स के मार्क्स 60% एंड अबव हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो. द पीरियड बिटवीन द मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जाम एंड द डिजायर्ड मंथ ऑफ इंटर्नशिप शुड नॉट एक्सीड 6 months. इफ द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ जून, देन ही और शी कैन अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप बिगनिंग टिल द मंथ ऑफ दिसंबर. तो अभी आप अपने रिजल्ट के लिए अगर वेट कर रहे हो, तो आपका जो रिजल्ट का गैप है और इंटर्नशिप का गैप है, वो मोर देन 6 months नहीं होना चाहिए. स्टाइपेंड की बात करते हैं, कितना स्टाइपेंड आपको यहाँ पे मिलेगा. The intern shall be paid stipend per month at the rate mentioned in the table below. तो per month basis पे यहाँ पे आपको stipend मिलेगा. अगर आपने BTech किया है तो work from office के लिए 30,000 मिलेगा और remote के लिए 15,000 मिलेगा. MTech किया है तो 40,000 मिलेगा, work from office के लिए and work from home के लिए 20,000 मिलेगा. MBA और other relevant field like economics और law में आपने कोई भी graduation की हुई है, तो आपको यहाँ पे 20,000 मिलेगा अंडर ग्रेजुएट वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए एंड 10,000 वर्क फ्रॉम होम के लिए. पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 30,000 वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए एंड 15,000 वर्क फ्रॉम होम के लिए. पीएचडी स्कॉलर है अगर, तो 50,000 वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए एंड 25,000 वर्क फ्रॉम होम के लिए. अब इस इंटर्नशिप में अप्लाई कैसे करना है, अबाउट UIDAI में जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटर्नशिप में आपको जाना है, और अब यहाँ पे वर्क विद UIDAI के अंडर में ही एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटर्नशिप में क्लिक करना है. एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटर्नशिप टेक सेंटर इनवाइटिंग एप्लीकेंट फॉर इंटर्नशिप एट UIDAI टेक्नोलॉजी सेंटर बेंगलुरु, क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटर्नशिप. तो इस फॉर्म में क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा. ये एक PDF फॉर्मेट में ओपन होगा जिसमें क्लियरली मेंशन है UIDAI इज सीकिंग एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप फॉर BE, BTech, MTech कैंडिडेट्स एंड फेलोशिप फॉर PhD कैंडिडेट एट UIDAI टेक्नोलॉजी सेंटर बेंगलुरु. इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, लिंक गिवन बिलो. एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 15 अप्रैल 2024. तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. इसके लिए लास्ट डेट रहेगी 15 अप्रैल. तो आप लोगों को 15 अप्रैल या फिर उससे पहले इस फॉर्म को सबमिट करना है. फॉर्म फिल करने के लिए फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है. और अगर आप इस जॉब की मोर डिटेल्स जानना चाहते हैं, क्लिक द लिंक मेंशन्ड बिलो. तो इस लिंक में आप क्लिक करेंगे, सेम वही PDF ओपन हो जाएगी जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले दिखा दी है. तो अब मैं आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी. फर्स्ट वाले लिंक पे हम क्लिक करेंगे और ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा. इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज फिल द बिलो डिटेल्स एंड ऑल्सो सेंड द CV विद फोटो टू द ईमेल techinternship@uidai.net.in. आपको इस फॉर्म को फिल तो करना ही है, इसके साथ आपको CV प्लस फोटो भी सेंड करनी होगी इस गिवन मेल ID पे, जो कि UIDAI की ऑफिशियल मेल ID है. अब फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ईमेल एड्रेस को मेंशन करना है. उसके बाद आपका नेम, आपका एड्रेस, फोन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चूज कर सकते हो. उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, देन इंजीनियरिंग ब्रांच और डिसिप्लिन. तो आपकी जो भी ब्रांच या डिसिप्लिन थी वो आप यहाँ पे टाइप करके लिखोगे. नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एड्रेस, तो जिस भी यूनिवर्सिटी बोर्ड या इंस्टीट्यूट से आपने स्टडी की है उसका नाम आपको मेंशन करना होगा. ये भी आपको यहाँ पे टाइप करके लिखना है. कोर्स स्टेटस, परसुइंग है या कंप्लीटेड है. अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हो तो आप यहाँ पे परसुइंग सेलेक्ट करोगे, और अगर आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो गया है तो कंप्लीटेड पे आप लोग यहाँ पे टिक करोगे. ईयर आप लोग यहाँ से मेंशन कर सकते हो, फर्स्ट ईयर से लेकर सिक्स्थ ईयर तक यहाँ पे मेंशन है या फिर कंप्लीटेड है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो.
सेमेस्टर चूज करने का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 10th सेमेस्टर तक आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। और अगर आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीटेड है तो आप यहाँ पे कंप्लीटेड फिल करोगे। ये मैंडेटरी फील्ड है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो सब में आप लोग कंप्लीटेड सेलेक्ट करोगे। कॉन्सोलिडेटेड कम्युलेटिव परसेंटेज CGPA एज ऑन फाइनल लास्ट ईयर सेमेस्टर ईयर अटेंडेड। अगर अभी आप ग्रेजुएशन में हैं, अपनी परस्यू कर रहे हो ग्रेजुएशन को, तो कम्युलेटिव परसेंटेज आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। अदरवाइज फाइनल ईयर और लास्ट ईयर के स्टूडेंट को अपनी CGPA यहाँ पे मेंशन करनी होगी। प्लीज मेंशन योर स्किल सेट। अब आपके पास जो भी स्किल सेट है, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, जैसे रिएक्ट JS, रिएक्ट नेटिव, जावा, C++, पाइथन, गो, फ्रंट डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, डेटा प्लेटफॉर्म, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड AI ML, एंड्रॉयड iOS डेवलपमेंट, डेटाबेस, MIS, CAD, हार्डवेयर, UI UX, साइबर सिक्योरिटी, डेव ऑप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, अदर स्किल्स प्लीज स्पेसिफाई। तो इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई अदर स्किल्स हैं तो वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। पीरियड ऑफ इंटर्नशिप रिक्वायर्ड, 6 वीक के लिए आपको इंटर्नशिप करनी है, 3 मंथ, 6 मंथ या फिर मैक्सिमम 9 मंथ के लिए आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हो। मोड ऑफ इंटर्नशिप, अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आप इस इंटर्नशिप को ऑनलाइन करना चाहते हो या फिर ऑफलाइन मोड में करना चाहते हो। ऑनलाइन अगर आप करोगे तो रिमोट रहेगी जॉब लोकेशन, ऑफलाइन के लिए बेंगलुरु यहाँ पे लोकेशन रहेगी, जो कि आपको UITI के हेड ऑफिस या फिर रीजनल ऑफिस में जाके अपनी इंटर्नशिप कम्प्लीट करनी होगी। डिजायर्ड मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, तो इंटर्नशिप आपको कब से स्टार्ट करनी है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2024, तो 2024 के जून, जुलाई, अगस्त में से आपको 1 मंथ यहाँ पे चूज करना है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट अब आपको मेंशन करना होगा। प्लीज इंडिकेट कोर्स टेकन, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशन डन विच क्वालिफाई यू फॉर द रोल। तो अगर आपने कभी अपने कॉलेज टाइम पे कोई प्रोजेक्ट किए हैं, सर्टिफिकेशन लिए हैं या फिर कोर्स कोई भी आपने किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आई वुड लाइक टू बी इंटर्न एट UIDAI बिकॉज, तो यहाँ पे अब आपको ये चीज बहुत सोच समझ के लिखनी होगी, बहुत अच्छे से आपको मेंशन करना है क्यों आपको इंटर्न बनना चाहिए UIDAI के अंडर में। आप बता सकते हो आपने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं, इस प्रोजेक्ट में आपको ये सीखने को मिला था और इस प्रोजेक्ट की हेल्प से आप UIDAI की हेल्प कैसे कर सकते हो, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लास्ट में आपको डिक्लेरेशन में टिक करना होगा, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। आई एग्री पे टिक करेंगे एंड इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। याद रखें, इस एप्लीकेशन के साथ आपको ईमेल भी करना है अपना CV एंड फोटो। यहाँ पे कुछ और ओपनिंग भी आई हुई है, तो एक बार मैं आपको और ओपनिंग्स भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप कुछ और ओपनिंग्स भी चेकआउट कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट फॉर हायरिंग ऑफ टेक्निकल कंसल्टेंट्स। तो ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ कि आगे इस चीज में कितना स्कोप है, कितनी सैलरी तक यहाँ पे मिल सकती है गवर्नमेंट के अंडर में अगर आप काम करते हो तो, और क्या क्या एजुकेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो सारी जॉब्स है यहाँ पे वो सीनियर कंसल्टेंट और सीनियर जॉब पोस्ट के लिए ही है, और जितनी भी जॉब्स है वो सारी सीनियर पोस्ट के लिए यहाँ पे आई हुई है। लेकिन अब आप यहाँ पे इनका पैकेज चेक कर सकते हो। PR आर्किटेक्ट ऑटोमेशन के लिए BE BTech, ME MTech और MCA एलिजिबल रहेंगे। 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए IT रिलेटेड फील्ड का। अब यहाँ पे आप कंसोलिडेटेड पैकेज भी देख सकते हो, 45 लाख से 55 लाख पर NM नॉन नेगोशिएबल पैकेज यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप अपना IT में करियर बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो कि कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्या क्या ये लोग मांगते हैं, ताकि आप उन स्किल्स में काम कर सको। कुछ जॉब्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनके लिए सिर्फ 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, जैसे डेटा साइंस आर्किटेक्ट। तो डेटा साइंस अभी बहुत डिमांड में है, अगर आप सोच रहे हो डेटा साइंस करने का तो आप वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे भी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा खासा है, जो कि है 30 लाख से लेकर 40 लाख पर NM का। तो अगर आपको लगता है कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज आपकी हेल्प नहीं कर सकती लेकिन किसी और की हेल्प कर सकती, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इन जॉब अपॉर्चुनिटीज को शेयर कर सकते हो। अगर आप 10th पास या फिर 12th पास हैं और आधार कार्ड से रिलेटेड जॉब करना चाहते हो, जैसे कि आधार कार्ड ऑपरेटर, आधार कार्ड सुपरवाइजर, तो इसके रिगार्डिंग में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है,
जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उस वीडियो को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है कैसे आप आधार कार्ड ऑपरेटर या फिर आधार कार्ड सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करोगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बता दिया है कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।